पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास एक विस्फोट हुआ है जिसमें कम से कम दो चीनी नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना में एक चीनी नागरिक घायल भी है। हमले में कुल कितने लोग मरे हैं इसकी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। पाकिस्तान में स्थित चीन के दूतावास ने इसे एक आतंकी हमला बताया है। चीनी दूतावास ने अपने बयान में कई स्थानीय लोगों के घायल होने का भी जिक्र किया है। दूतावास ने कहा कि यह हमला सिंध प्रांत में एक बिजली प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों के काफिलों को निशाना बनाकर किया गया। एम्बेसी ने पाकिस्तान से इस हमले की जांच करने और अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। चीनी एम्बेसी ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर इस हमले के जो नतीजे सामने आए हैं उनको संभालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह का कहना है कि उन्होंने चीनी इंजीनियरों और निवेशकों के काफिले को अपना निशाना बनाया था। अब इसी साल मार्च में पाकिस्तान में चीन की मदद से बनाए जा रहे ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पर आतंकी हमला हुआ था। ग्वादर के कॉम्प्लेक्स में कई धमाके और फायरिंग हुई और यही एक एयरपोर्ट ऑफिस भी था जो धमाके में तबाह हो गया। 8 आतंकी भी मारे गए थे और मारे गए 8 लोग बलूचिस्तान के प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी के थे।